everyone, finally it is a stationery haul. मेरा actually दिमाग खराब हो गया है सोच सोच के कि मैं stationery में भी क्या नया लाऊं, क्योंकि मैं 5 बार stationery store जाके आ चुकी हूँ कि कुछ सामान खरीदूँ हॉल के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम शेयर कर चुके हैं एंड स्टेशनरी में इतनी नई चीज़ें नहीं आ रही कि मैं बार बार अलग हॉल बना पाऊँ. तो यू हैव टू हेल्प मी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आगे हम क्या करेंगे. बट फाइनली मेरे को एक अच्छा आइडिया मिला, विच इज़ buying only unicorn themed stationery. Personally, मुझे unicorn का concept समझ में नहीं आता कि मुझे मालूम है कि एक imaginary animal है, कि ये real life में exist नहीं करता, इसलिए मुझे unicorn से ज़्यादा attachment नहीं होता. लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपको unicorn बहुत पसंद आता है, garage sale के वक्त and videos के वक्त भी जो भी unicorn वाली चीज़ होती है ना, उससे आप बहुत attract हो जाते हो. So I am trying to be the Santa and bringing you unicorn stationery. बहुत सारा सामान है एंड गिव अवे भी है. सो लेट्स बिगिन दिस मोस्ट अवेटेड स्टेशनरी हॉल. ओके, तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस है कि पेन्स, बुक्स. तो हम स्टार्ट करेंगे बुक्स से, क्योंकि मुझे नोटबुक सबसे ज़्यादा पसंद आता है एज अ स्टेशनरी आइटम. तो फर्स्ट नोटबुक आई गॉट है ये पिंक कलर का यूनिकॉर्न प्लानर. अभी इसके कवर पे यूनिकॉर्न है, बट इसका अंदर का देख के मैं पागल हो गई, इतना सही है. सो द इन द बिगिनिंग ऐसे वाले पेजेस हैं हर एक दिन के लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ऐसे करके. एंड बहुत सारे, मतलब ये पूरे साल के लिए सफाइस हो जाएंगे. पेपर की क्वालिटी बहुत जाड़ी है एंड अंदर ये ख़त्म होने के बाद थोड़े लाइन वाले पेजेस है और फिर थोड़े ब्लैंक पेजेस है. तो ये डायरी में सब कुछ है एंड ये सिर्फ 220 की थी. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लानर्स आई हैव सीन. एस्पेशली जब मैंने गराज सेल होस्ट किया था, तब मैंने दूसरों से स्टेशनरी खरीदी थी, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम स्टोर से. एंड कुछ स्टोर्स ने तो मुझे इतना महंगा सामान दिया था ना, लाइक इतनी छोटी छोटी यूनिकॉर्न की डायरी भी 50-100 रुपये की दी थी. तो नाउ आई नो वेयर टू गेट बेटर स्टेशनरी फ्रॉम. सेकेंड डायरी दैट आई गॉट है ये फर वाला यूनिकॉर्न डायरी एंड ये 330 रुपीज़ की थी. आजकल ना काफ़ी ब्रांड्स को रियलाइज़ हो गया कि यूनिकॉर्न का ट्रेंड है, तो वो लोग यूनिकॉर्न के नाम पे महंगा बेचते हैं, बट दिस वॉज फॉर 330, विच इज़ नॉट अ बैड प्राइस पॉइंट. सीन ये है कि इसके बाजू में एक लॉक है और मैंने भी अभी तक खोल के नहीं देखा कि अंदर कैसा होगा, तो साथ में देखते हैं. खुल ही नहीं रहा. हाँ, अब खुल गया. पहले आप देख लो, ब्लैंक है. पहला वाला सस्ता था इससे, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें तो अच्छे ही पेजेस होंगे. सिर्फ लास्ट पेज अच्छा है और फर्स्ट पेज ब्लैंक. BLANK ब्लैंक. क्या यार, 300 रुपीज लेके थोड़ा तो अच्छा दे देते. और ये तो चेंजेबल भी नहीं है, एक बार ये ख़त्म हो गया तो फिर ख़त्म हो गया. ठीक है, दिस वन वॉज ओके ओके. थर्ड डायरी है ये वाला. इस पर बहुत सारे कलरफुल यूनिकॉर्न्स बने हैं ऊपर, अंदर से आई थिंक ये वाला ब्लैंक है. ये वाला मुझे मालूम था ब्लैंक है, क्योंकि ख़रीदने के पहले मुझे देखने मिला था ये. बट द गुड पार्ट इज़ ये पूरा स्पायरल बाइंडिंग वाला डायरी सिर्फ 119 रुपीज़ का है. एंड यूजली स्पायरल वाले डायरीज़ महंगे आते हैं, तो मुझे प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा लगा इसका. ओ, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मेरे यहाँ एक मॉल है इन्फिनिटी मॉल करके मलाड में, मुंबई में, एंड वहाँ पे एक नया स्टोर खुला था कॉल्ड मिस्टर DIY. तो मैं वहाँ से ये सारा सामान लेके आई हूँ. आई ट्राई टू लीव द लिंक. आई थिंक इंडिया में सिर्फ एक ही स्टोर है, बट मैं ऑनलाइन ऐसे सिमिलर सामान ढूंढ के नीचे लिंक कर दूंगी शायद अमेजोन से, तो अगर आपको कुछ पसंद आए तो आप ले सको. एंड आई थिंक द फोर्थ एंड द लास्ट डायरी इज दिस छोटू क्यूट सा डायरी. इस पर भी लॉक है, तो ये रहा ताला. एंड वाओ, दिस इज कूल. लेट्स सी ये वाला कैसे अंदर से. प्लीज बी नाइस. ठीक है, ऐसे रूल्ड ही है. इधर टॉप सीक्रेट का कॉलम है, बट आई डोंट नो व्हाई. पिंक कलर के लाइंस हैं. एक चीज़ जो मुझे पसंद है कि ये 100 रुपये की थी, आई थिंक 109 रुपीज़ की थी, बट स्टिल पेजेस बहुत ज़्यादा है, गुड थिंग. नेक्स्ट कैटेगरी है कंपस बॉक्सेस की, एंड इट इज़ पार्शली अ स्टेशनरी सेट ऑल्सो, क्योंकि हर एक कंपस बॉक्स के अंदर स्टेशनरी पहले से दी गई है. फर्स्ट वन इज़ ये वाला, काफ़ी बड़ा है, मेटल का है, एंड इसके अंदर 2 पेंसिल्स, 1 इरेजर, 1 शार्पनर, 1 व्हाइट बोर्ड मार्कर और 1 रूलर है. एंड व्हाइट बोर्ड मार्कर इसलिए है क्योंकि इसके पीछे 1 व्हाइट बोर्ड भी है. तो इनिशियली जब मैंने देखा था एंड ये 220 रुपीज़ का था, आई वॉज लाइक
टू एक्सपेंसिव, पर पीछे मैंने व्हाइट बोर्ड देखा और सोचा कि चलो ये एक अच्छा फीचर है कंपास बॉक्स के अंदर। इसके अंदर एक ट्रे भी है। लेट्स सी कि ये व्हाइट बोर्ड मार्कर कैसे चलता है। वाओ, कितना डार्क है यार। इसको मैं रब करके देखती हूँ, ऑफ कोर्स नॉट विद द डस्टर क्योंकि वो खराब हो जाएगा फिर। दैट इज स्मूथ। मुझे नहीं मालूम कि पेंसिल्स और इरेजर्स की क्वालिटी कैसी होगी। यूजुअली ऐसे सेट्स में वो क्वालिटी अच्छी नहीं आती, बट इट्स ओके, एटलीस्ट दिया तो है। नेक्स्ट कंपास बॉक्स है रेगुलर साइज छोटा वाला, एंड ये भी ऐसे ओपनिंग वाला है। ये हटाने पे सेम स्टेशनरी है माइनस द वाइट बोर्ड पेन, क्योंकि इसमें वाइट बोर्ड नहीं है, लेकिन बाकी सब सेम है, रबर, शार्पनर, पेंसिल्स एंड स्केल। एंड इसमें भी ट्रे के बाद नीचे और जगह है। तो ये वाला 50 रुपीज़ सस्ता था। आई थिंक ये और सस्ता हो सकता था क्योंकि लिटरली हाफ द साइज और वाइट बोर्ड भी नहीं है, बट ठीक है चलो। एंड द लास्ट स्टेशनरी किट इज दिस वन, जिसमें दो पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर, स्केल तो है ही, बट एक पूरा वॉलेट भी है यूनिकॉर्न के शेप में। एंड दैट एक्साइट्स मी क्योंकि भले पेंसिल और इरेजर की क्वालिटी शायद अच्छी नहीं होगी, बट स्केल, शार्पनर और वॉलेट तो देख के लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छा होगा। तो 63 रुपीज़ तो वहाँ ही वसूल हो गए, सो इट्स नॉट दैट बैड, यू नो। एंड इट इज़ वेरी क्यूट, मतलब एज अ रिटर्न गिफ्ट दिस वुड बी बेटर दैन वो कलरफुल पेंसिल्स जो नहीं चलते। एंड इसको मैं इसलिए नहीं खोलने वाली क्योंकि डेफिनेटली मेरे गिव अवे में तो जाने वाला है। Oh, I forgot one diary. वो है ये ग्रीन कलर वाला। मुझे एक्चुअली ये वाला यूनिकॉर्न प्रिंट सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये थोड़ा काम है, थोड़ा क्यूट डिज़ाइन है, एंड इसके पेजेस भी सबसे ज़्यादा क्यूट है। मतलब इसे छोटे छोटे ड्राइंग्स बना रखे हैं पूरे पेज के ऊपर, एंड इसके पेपर की क्वालिटी भी बाकी से जाड़ी है। तो दिस वॉज डेफिनेटली वर्थ 151 रुपीज़। फिर है मेरे पास ये हाइलाइटर्स का सेट। इसमें ना हाइलाइटर लुक्स नाइस क्योंकि एक साइड जाड़ा टिप है और एक साइड पतला वाला टिप है, लेकिन इसके ऊपर भी यूनिकॉर्न प्रिंट का स्टिकर है, तो इट विल बी फन फॉर एनीवन टू यूज़, टू बी ऑनेस्ट। इसमें 6 डिफरेंट हाइलाइटर्स है एंड ये 145 रुपीज़ का था। एक बहुत ही ऐसा वेला आइटम है ये गिफ्ट बैग, बट आई स्टिल बॉट इट क्योंकि यूजुअली गिफ्ट बैग्स बहुत महंगे आते हैं। लाइक अगर आप आर्चीज़ वगैरह कहीं जाओगे ना, तो गिफ्ट रैपिंग के लिए पेपर ही कुछ आई थिंक 50 रुपये ऐसा कुछ का है, पर ये पूरा गिफ्ट बैग सिर्फ 29 रुपीज़ का था। तो अगर आप काफ़ी लोगों को गिफ्ट देने वाले हो या क्रिसमस के वक्त देने वाले हो, तो आप ऐसे गिफ्ट बैग्स स्टॉकअप कर सकते हो। काफ़ी बड़ा है एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, एंड ऑफकोर्स इस पे यूनिकॉर्न तो है। नेक्स्ट थिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स क्योंकि ये है एक बड़ा सा पाउच। आजकल मुझे मालूम नहीं क्यों, बट पाउचेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लाइक ये चार्जर, वो चार्जर, ये मेकअप, एंड इसकी साइज़ बहुत ही फट है। एंड इस पे एकदम अच्छा वाला सटल सा यूनिकॉर्न एंड क्लाउड्स का प्रिंट है। प्लस इसको खोलने पे अंदर कितने सारे कंपार्टमेंट्स हैं। पाउचेस की बात करी रहे तो आई हैव टू मोर पाउचेस। एक है ये ग्रीन वाला, लेकिन इसका यूनिकॉर्न का प्रिंट मेरे को कुछ खास जमा नहीं है। जेन्युइनली लग रहा है कि बेचारे को कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा क्यूट है। इसका जिप ना स्टार वाला है, सो दैट्स समथिंग यूनिक, एंड स्मूथ भी है, एंड अंदर स्वेट टाइप फिनिश है। तो आई थिंक ये वर्कशीट्स और ये पेपर्स रखने में अच्छे से काम आ सकता है। एंड एक और पाउच मैंने लिया छोटा वाला, ये ब्लू एंड वाइट कलर, एंड इसकी भी जिप अच्छी है, स्मूथ है, एंड अंदर से नॉर्मली है, बस स्वेट जैसा कपड़े वाला फिनिश। फिर मुझे मिले ये छोटे छोटे यूनिकॉर्न वाले स्टिकी नोट्स। यार ये वाले बहुत एफिशिएंट है क्योंकि इतने सारे स्टिकी नोट्स सिर्फ 37 रुपीज़ के थे। ये स्टिकर का कैसा है मालूम है कि ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म है, तो फिल्म हटा के अपना नाम लिख के फिर चिपका सकते हैं। तो आई डोंट नो, दिस इज़ यूनिक, आई नेवर सीन अ स्टिकर लाइक दिस। जब मैं दूसरे स्टेशनरी स्टोर्स जाती हूँ मॉल में, स्टिकर के पैक 100-200 के नीचे कभी नहीं देखे मैंने। तो 37 रुपीज़ के इतने क्यूट स्टिकर्स देख के मैं तो बहुत खुश हो गई। देन वी हैव पेन्स। मुझे सिर्फ 2 पेन्स मिले, बट वो काफ़ी क्यूट है। लाइक लुक एट दिस, इस पर एकदम एज अ सॉफ्ट टॉय वाला यूनिकॉर्न है ऊपर। इसको खोल के देखते, ये रहा पेन, एंड यहाँ से इसका ओपनिंग। Does this work well though? इसको वार्म अप करने का भी टाइम नहीं लगा, क्या सही है।
आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस एंड लेट्स चेक कि इसका रिफिल चेंज कर सकते हैं कि नहीं. नहीं यार अभी फिलहाल तो ये खुल नहीं रहा आगे से. ये भी ऊपर से नहीं निकल रहा है बट इट्स ओके. इट्स अ क्यूट पेन एंड ये कितने का था? 45 rupees के लिए नॉट बैड. जब भी मैं ऑनलाइन ये सब देखती हूँ ना पेन का कॉस्ट होता है $1 एंड डिलीवरी होता है $1 तो ये $2 का मिलता है ऐसा सब. मतलब 145 rupees का तो हमने 100 rupees तो बचा लिए इस पर. एंड सेकेंड पेन है ये वाला जो मस्त से पैकेजिंग में आया है. वो ये बहुत फैंसी लग रहा है. बहुत हैवी है ये. सीमेंट का है क्या? मुझे तो ये जेन्युइनली सीमेंट से बनाया हुआ लग रहा है क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा है. दैट मीन्स कि इसको रेगुलर यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि जितना भी हैवी पेन होता है उतना लिखने में प्रॉब्लम होता है. तो ये शायद सिर्फ रफ वर्क या इस्त्री के कपड़े लिखने के लिए काम आएगा. इसको यूज़ करके देखते हैं. लेकिन ये भी बहुत स्मूथ है. ये वाला पहले से भी ज़्यादा स्मूथ है. 100 rupees में फुल पैसा वसूल है यार. एंड अभी पेन्स लिया है तो पेन स्टैंड तो चाहिए होगा ना पेन रखने के लिए. तो आई गॉट दिस लिटिल वन. ऑल्दो इस पर ज़्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं है. आई थिंक बस यूनिकॉर्न का एक पेंटिंग एक अलग से चीज़ पे लगा के चिपका दिया है. बट ये वुडन लग रहा है तो फॉर दैट इट इज़ ओके. दिस वन वॉज फॉर 81 rupees एंड है काफ़ी स्पेशियस है. दो पेन डालने से सिर्फ इतना भरा है मतलब इस पर काफ़ी ज़्यादा जगह है. और ऑलमोस्ट नियरिंग दी एंड आई हैव दिस इरेजर. 43 rupees का इरेजर था एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. इस वाले यूनिकॉर्न के विंग्स भी है. तो प्रॉब्लम आई हैव विथ ऐसे फैंसी इरेजर्स इज कि एक बार इसको यूज़ करना स्टार्ट किया यूनिकॉर्न के हाथ पैर नहीं रहेंगे तो तभी कैसा लगेगा. इसलिए मुझे नहीं कॉन्सेप्ट जमता कि क्या लाइक ये इरेजर्स को कैसे यूज़ करना चाहिए. बट आई स्टिल गॉट इट टू इंक्लूडेड इन द गिव अवे. एंड लास्ट टू थिंग्स आर की चेन्स. पहला की चेन विल बी रिमेम्बर्ड बाई OG फैमिली मेम्बर्स बिकॉज हम ये सेम चीज़ पहले ले चुके हैं दूसरे किसी हॉल में. एंड दिस इज़ वेरी वेरी क्यूट. फरी पॉम पॉम के ऊपर और नीचे होलोग्राफिक यूनिकॉर्न है लाइक इसके पैर है यहाँ पे एंड इसका फेस ऊपर. दिस कीचेन वॉज फॉर 170 rupees. मुझे ऑनलाइन ये और सस्ता मिला था. ऑनलाइन कुछ 120-140 rupees का मिला था. बट ठीक है मतलब चल गया एक चीज़ में ऊपर नीचे चलता है. एंड लास्ट थिंग फॉर दिस हॉल इज दिस कीचेन. मैं तो इसको दबाने गई मटीरियल देखने के लिए एंड दिस इज व्हाट इट डिड. मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड यार. इमेजिन अगर मेरे बैग में कभी दब गया एंड लोकल ट्रेन में सब सोचेंगे कि इधर कहाँ से बच्चा आ गया. मतलब ऐसा आवाज़ क्यों आ रहा है. बट इफ़ यू हैव अ किड तो दिस विल बी अ गुड थिंग क्योंकि इस पर ऐसा घुंघरू भी है एंड ये टॉय जैसा भी है तो उनको एंटरटेनमेंट होता रहेगा. तो ये वाला की चेन मिला मुझे वहाँ से. एंड आई फॉरगॉट टू शो यू बट आई ऑल्सो बॉट दिस वेरी क्यूट पिलो. बहुत ही सॉफ्ट है एंड बहुत ही बड़ा है टू बी ऑनेस्ट. एंड ये पिलो सिर्फ 370 का था तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट परचेसेस ये पूरे शॉपिंग स्प्री में से. एंड दिस वॉज इट फॉर माई यूनिकॉर्न थीम स्टेशनरी हॉल. एंड इस वीडियो में गिव अवे होने वाला है ये सब चीज़ का. All you have to do to enter this giveaway is comment on this photo on my Instagram कि मुझे stationery को लेकर और कैसे videos बनाने चाहिए क्योंकि मुझे genuinely उसको लेकर help चाहिए. And you will stand a chance to win this full hamper. And अगर आपको ये video देखने में मज़ा आया तो that makes me very very happy and I'll see you in the next one. Until then, goodbye.